हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोपी ट्रैक पर। 22 गज की पीच पर बरपा कहर, इस गेंदबाजों ने बिना एक भी रन दिए ले डाले 8 विकेट। 7 बल्लेबाजों को तो क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा। इस गेंदबाज द्वारा फेंके गए कुल 27 ओवरों में 34 ओवर तो मैडर्न ही थे। तेज गेंदबाजी का ये नमूना बेमिसाल रहा। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाजी का बोलबाला तो अक्सर सुनने को मिल जाता है, देखने को भी, मगर गेंदबाज सब 22 गज की पीच पर काल बनकर नाचे तो ये नज़ारा रोज रोज देखने को नहीं मिलता। और आज हम जिस गेंदबाजी प्रदर्शन की बात करने जा रहे हैं, वैसा मंजर तो कई दशकों में यदा कदा ही देखने को मिलता है। भला आप ही बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि बिना रन दिए 8 विकेट लेने का गेंदबाजी प्रदर्शन आपने देखा है, तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन जवाब में नहीं आएगा। यही तो कहानी है चार्ल्स पाल्मर की, वो क्रिकेटर जिसका आज जन्मदिन है, वो खिलाड़ी जिसकी पहचान एक बल्लेबाजी ही रही और गेंदबाजी से प्रदर्शन ऐसा यादगार रहा कि मिसाल आज भी दी जाती है। आइए बनते हैं इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा। दरअसल 15 मई 1919 को जन्मे इंग्लैंड के चार्ल्स पाल्मर ने 1955 में ये ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। लीसेस्टरशायर के लिए खिलाफ उन्होंने बिना एक भी रन दिए 8 विकेट हासिल कर करिश्माई गेंदबाजी प्रदर्शन को अंजाम दिया। दिलचस्प बात यह रही कि चार्ल्स ने कुल 27 ओवर फेंके जिसमें 14 तो मैडन रहे। इन 27 ओवरों में उन्होंने 8 रन जरूर दिए, लेकिन जो 8 विकेट उनके खाते में आए उसके लिए एक भी रन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह उनका गेंदबाजी प्रदर्शन 27 ओवर 24 मैडन 8 रन 8 विकेट का रहा। इस 8 में से 7 बल्लेबाजी को उन्होंने बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई। हालांकि उससे भी हैरानी की बात यह है कि चार्ल्स पाल्मर के हैरत अंगेज प्रदर्शन के बावजूद लीसेस्टरशायर को इस मैच में 7 विकेट से हार का सामना पड़ा। पाल्मर की करिश्माई प्रदर्शन के बावजूद हार गई उनकी टीम। ये मुकाबला 1955 में 21 से 14